अरे बा भैया बा, यो बहादुर लाल यो। अरे मोरे रामा हो राम, अच्छा साथियों ये अभी रहा आप बड़े भैया बेचू यादव, हमरे भैया श्याम देव प्रजापति के देख रेख में आप लोग उनके बीच में जात बा। हमके आशा ना उम्मीद बा कि आप लोग गीत के जरूर पसंद करे हन। ए बिरहा के गायक हम रमेश चंद यादव चिरैया कोटमऊ व साथियों की आवाज में सुन रहे हैं। एक नारी का त्याग, नारी का जीवन क्या होता है, कभी निभाव दिया भूमिका में कैसे लाल। अरे भाई जन्मदायिनी जग में नारी कहाती, बहाती है आंचल में ममता का सागर। सारा जहां है कर्जदार इनका, जे रहती परिवार में बन के खिदमत की चादर। फर्ज पे जान देने की रखती तमन्ना, बरसती है खुशियों का बन कर के बादल। के दोष किस्मत का दूं यार जमाने का भोला, के त्याग दे कर के फिर भी न पाती है आदर। यही नारी का जीवन है हमरे बिरहा का शीर्षक बाम। सात फेरे की कसम उर्फ नारी का त्याग, नारी के बिना सृष्टि अधूरी है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत नारी चुकाती कैसे है बाबू। एक लाइन फिल्म का गीत बा कैसे लाल। ओ हो मौसम का रुख देख के कौनो नायिका कहत बा, ये दिल से अपने ही अपने दिल से कहत बा। मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम कहना है, नारी के बिना पुरुष की जिंदगी अधूरी है, इसलिए कहना है कवि का कितना सुंदर भाव है। औरत का जग में जीना, औरत का जग में जीना, दुसवार किए है पापी भूले कदर कमीना। नजम के लाइन में कहना है बात कहां के बा, के फौज का जमाना उदय भान बघेला, माता पिता का अपने संतान अकेला।
दिल का अरमान पाल। फौजी जवान उदयभान सिंह यही बाराबंकी जिला के रहे वाला हुआ। पत्नी का नाम सुशीला देवी, इकट्ठे बिटिया बा, ओकर का नाम बा एकलौती बेटी रीना हुई है सयानी, बेटी के लिए खोजते बरदून परानी। सुशील सुंदर कानपुर निवासी, समूह सुशील सुंदर कानपुर निवासी, माता पिता के साथ अपने रहता उलासी। रीना की हुई शादी समूह के साथ में, पाई पति का प्यार जो लिखा था माफी। फौजी जवान उदयभान सिंह का बिटिया रीना जब शादी जोग हो गई लिन, पत्नी सुशीला देवी कहलिन कि ये रीना के बाबू, ए स्वामी बिटिया शादी जोग हो गई लिन, युग जमाना के हिसाब से बढ़िया लड़की के शिक्षा दीक्षा भी हो गई बा, बढ़िया घर बर देख के लड़की के ब्याह कई देवे के चाहिए। दोनों परानी अपने रीना बिटिया बदे घर बर खोजे लगला, बर मिले थे घर ना या घर मिले थे संजोग रीना के जोग कानपुर देहात का रहने वाला सामू सुशील लड़का बहुत बढ़िया शिक्षा दीक्षा है, जाके उदयभान सिंह अपनी बिटिया का रिश्ता सामू के संगे तय कर दिलन। चुटकी भर सिंदूर उठाया है सामू, रीना की मांग को भर दिया, दुल्हन बना के घर ले आया। खुशी खुशी समय बीते लगल, रीना के भाग में जवन खुशी रहल जवन सुख रहल तवन मिले लगल हो भैया। फौजी जवान उदयभान सिंह अपने बिटिया के शादी कैले के बाद जम्मू कश्मीर की वादियों में उस फौजी कर्नल की ड्यूटी है, बिटिया ससुराल चली, पत्नी को लेकर के वह कर्नल चल दिया सीमा की ओर। बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अदा करने लगा, जिस सेक्टर में है उग्रवादियों अताताइयों का जीना हराम कर दिया, पागल हो जाते हैं। उदयभान सिंह के नाम से कांपने लगे, एक लाइन गीत लगल भैल का मस्कर। यूह गीत बाम कौन मेहरारू अपने मन से धुक मेला में इंतजार करत बा, बेर नवा वाली बाम दुल्हा का पता नहीं है, सखी सलेहर कहली अचला रानी मोरी नतिया की बेटा के ये हाल है। तबले छोटका देवर उजरे कुर्ता उजर पैजामा, मुंह में पान खैले रहा, ओट के ललाई ओकर ऐसन बा जैसे भैंसे के चुतरे पे भाला मारल होखे। भौजाई देखलस कलस बस बस आ गइलन, पूछत बा तऊ बतावत बका बतौलस। आया के काही होई है सड़क पे, कहीं होई है सड़क पे, अरे लखा तो होई है, कहीं होई है सड़क पे, क्या कहीं होई सड़क पे, अरे लखती होई है, के गले डाल के रुमलिया, के गले डाल के रुमलिया, यार हसात होई है गले। लागल ड्यूटी कश्मीर में, लागल ड्यूटी कश्मीर में, अरे उदया भान के हो लागल ड्यूटी, क्या रहा पत्नी के संग में, अरे नम हो जान के रे लागल ड्यूटी कश्मीर में, उदया भान के हो लागल। कश्मीर की वादियों में ड्यूटी लगी है, उग्रवादी कांपने लगे, हुआ क्या
के मौका को पाए घर में भूत से उग्र भाव। रीना तो चल दी कानपुर देहात अपने ससुराल, पति सामो के साथ जीवन यापन करने लगी। जो भी नमक रोटी जुटता था भारतीय संस्कृति से ओत प्रोत थी, अपने जीवन को समेट करके रीना बिताने लगी। यहवर उदय भान सिंह कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं, आतंकवादियों को इतना नस नाबूद कर दिए। एक दिन भैया हो धोखे से उग्रवादी बम ब्लास्ट कर देते हैं, पत्नी समेत वह फौजी इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। खबर आयल बे रिनवा का सारी खुशी गम में मिल गई हो भैया, चूंकि और कोई औलाद नहीं था। चल देती है रीना पति के साथ में पिता की माँ की जो अस्थियां हैं उसे अपनाती है, लेकर आई जो समाज का संस्कार है, दाह संस्कार क्रिया का नियम है, उस नियम को निभाते हुए अपने गम को समेट लेती है। भारत सरकार की ओर से शहीदों के लिए जो घोषणा किया गया है वह पैसा मिलता है रीना के नाम से। आ गई कानपुर देहात में, शाम पढ़ा लिखा लड़का जरूर था लेकिन किस्मत साथ ना ही दलस, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। रीना एक दिन अपने पति के साथ में चारपाई पे पति लेटा है, पैर सहलावती रो रही है रीना। बैठ गया सामू, कहा है रीना तेरे रोने का क्या कारण है? रीनवा रोके कहलस की स्वामी हमार बाबू फौजी रहलन, फौज का कर्नल ललन, जवन मर्यादा जवन सम्राज जवन सम्मान हम बाबू जी के राज में पौली, हमार निवेदन हो कि ऐसा सम्मान हमके दिया दा, बाकी कुछ हम चाहिए नहीं। रीनवा यह कहत बेरोध बे सुबेरा हुआ, रीना के पास जो कुछ भी है सब समर्पण करने लगी। गीत बदल गए, कौन गीत बा गीत कलाइन बाम। अरे पनिया में अगिया लगा वाला सरे गोरी तोहारी जवानिया, अब पनिया में अगिया लगा वाला सरे गोरी तोहारी जवानिया, केतन के दिया ते मुआ वाला सरे गोरी तोहारी जवानिया, भाव लिखत मन कवि जी सवेरा भर वारिदार बाप कबना ली होरी ना बिटिनिया, तब धनवा के हकदार बनली हो रीना बिटिनिया, सरकार के ओर से जो अनुदान मिला शहीद पिता का सब रीना ग्रहण करती है, ला के पति के कदमों में डाल ली। इतने न और का कहलिन, अरे बेचली जमीन जवन दस बीघा पाई, अरे फंड बोनस दिल्ली कुलपिया के लियाई, तो
अतिया के मददगार बना ली हो री ना बिटिनिया। दे दे तेरी नाम 10-12 लाख रुपया सरकार की ओर काम उकरे बाबू उदयभान सिंह के नाम से बाराबंकी में जो 10-12 बीघा जमीन बाम घर द्वार सब बेच देती है, सारी दौलत लाके अपने पति के कदमों में डाल देती है। भारतीय नारी कहली स्वामी हमार निवेदन बा, हमार इच्छा बा, हम है दुनिया में कुछ चाहिए ना, खाली एक साहब के पत्नी का दर्जा दिया दा। जब सामो पैसा पाया, पढ़ा लिखा इंसान था, कानपुर देहात से चल दिया दिल्ली शहर की ओर। जब दिल्ली शहर की ओर चलल तो गीत बदल गया, कौन गीत बा जब गांव में देहात में मेहरारून के लड़का बच्चा होलन तब पंवरिया जुट के सोहर गावलन। कैसे गावलन? बधाई गीत गावलन। अरे बधैया बाजे हौ नंदा द्वारे, बधैया बाजे सामू पैसा लेके दिल्ली की ओर चला। पढ़ा लिखा लड़का था, टेक्निकल काम शुरू किया, किस्मत साथ दलस तो भैल का अमीर भैल सामू, अमीर भैल सामू दौलत पाके अमीर भैल इतना बड़ा अमीर हुआ, कई हजारों की संख्या में उसके फैक्ट्री में लेबर काम करने लगे, चर्चा होने लगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों में उसकी गिनती होने लगी। रिनवा के खुशी का ठिकाना नहीं हो भैया, रिनवा का पांव धरती पर नहीं पड़त बा, बहुत खुश है रीना। तब बढ़ल भाई जब उद्योगपतियों में रहीसों में आना जाना हो गया। ए पंचो देहात के नेवता में शहर के नेवता में बड़ा अंतर होला। गवई में शादी ब्याह ते रही बरही में नेवता मिल जाई, घर से केहू एक आदमी चल जाई। जहाँ बड़े लोगों का भोज होता है सब परिवार लोग जालन। सामो भी अपनी पत्नी रीना को लेकर आने जाने लगा। साथ के साथियों ने आवाज दिया, कहा सामो सेठ जी आपकी इतनी बड़ी शोहरत है, आपका इतना बड़ा सम्मान है, लेकिन जब काली कलूटी औरत को लेकर आते हैं तो सारी मर्यादा छीण हो जाती है। समुआ साथियों की बात के बहकावे में आ गया बाबू, अब अपनी पत्नी रीना का त्याग करने लगा, परित्याग करने लगा, गिरी हुई निगाहों से देखने लगा, भांप जाती है रीना। फिर भी भारतीय नारी पति को ही परमेश्वर समझती है, लेकिन समुआ सोचत है, का सोचत है, मुझको अरे होता है अपमान, उद्योग पत्नी के नजरों घट जाता है सम्मान भैया। तीरस कार रीना का करता अब भूला त्याग है नारी का,
अरे प्यार किया सुषमा से शाम बन जीवन नरक बेचारी का। मेरा पति मेरा तिरस्कार कर रहा है, कौनो कौनो दिन 12 बजे 2 बजे दारू के नशा में लड़खड़ाता हुआ आता था, कबो कबो ऐसा हो कि 10 दिन बंगला पर हवेली पर ऐबा नहीं करे। उसके कंपनी की जो सुपरवाइजर है सुषमा, प्यार कर बैठा सामू अपने सुपरवाइजर सुषमा से, 10-12 रोज के बाद में एक दिन दारू के नशा में अपने बंगले पर पहुंचा है। रीना गैलिन है, लड़खड़ात का लेट गए। भारतीय नारी का संस्कार होता है बाबू, हमारे परिवार का बात हो आपके परिवार का बात हो, देहात का औरत परिवार का लोग बड़े बुजुर्ग लोग भोजन नहीं करते हैं, पति भोजन नहीं करता, तब तक बैठ करके पत्नी इंतजार करती है। कबो कबो तो ऐसा होख भैया कि रीनवा के जोहत जोहत सवेर हो जा समुआ अबे नहीं करे। आज 10 रोज के बाद अपने पति के पौले से पति के बैठ के नीचे बैठ करके पति का पैर पकड़ के निहोरा करते है, विनती करते है, बिरहा शैली में भाव लगल का कर ले। के चरण कबन के अहमदासी रहवे, तो पति के चरण में पावन जन्नत मथुरा काशी। पति के पाँव में पावन जन्नत मथुरा काशी, चरण के बन के दासी रहे। हे स्वामी हमके दुनिया का कोनो धन दौलत नहीं चाहिए, खाली इतने अधिकार हमरे लगे रहे दा कि दुनिया के लोग सामू साहब का पत्नी कहे आऊ माऊ बतियावे। फिर वही हाल, कई दिन गुजर गया। कुछ दिन के बाद रीना फिर अपने पति को उसी नशे में उसी हालात में देखती है, समझ गई कि मेरा पति सुपरवाइजर सुषमा से प्यार किया है। पति के पैरवा पकड़ के छो छो धार रोत बा, रो के कहत बा एक लाइन गीत बा, कौन गीत बा? बाबा बाबा वह गीत का लाइन बाम हिदा बिके लू गरिया हो भागल, हिकमने ना गरिया हो भागल। हिदा बिकेलू गरिया हो भागल, हिकमने ना गरिया हो भागल। सुनाए भौजी सुनाए भौजी, मऊगी बिन गुजरवा कैसे होई हो शैतान पति का पैर पकड़ के रो रही है रीना। रीना के आंसुओं से सामू का पांव भींग रहा है, पैर पकड़ ले बे बाबू, विनती कह के रो रो के अपने पति से आरजू करत बा, निवेदन करत बा। का निवेदन करत बा? पड़े ले आ भागी न पैया तोड़ा ना सहारा सैया, पैया तोड़ा ना सहारा सैया। सुनाए सजना सुनाए सजना, कवने करना मुहवा मोड़ लहोरा। स्वामी
हमार दोस्त कौन बा, कसूर कौन बा स्वामी, यही आपके खुशी खातिर अपने सारी खुशी का बलि चढ़ा देली स्वामी, ये हक हमसे मत छीना। बकारा ए सामू कहला रीना, कैसी तू भूली भूली बात कर रही है, कलस नाही स्वामी बहकावा मत। का कलस प्रेमिका के जान से ज्यादा बढ़ के तुमने ला हो, काए के पिरतिया हमसे तोड़े लहोरा, कहता है सामू अरे रीना कैसी बात करती है पगली, कुछ बना ले तू भी खा ले मैं भी खा लेता हूँ, घर में रहते रहते तू उब गई है, चल आज तुझे ऐसी खूबसूरत दुनिया में ले चलूंगा, सैर कराऊंगा, तेरी तबीयत मस्त हो जाएगी। कार को निकाला, ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, साइड में बिठा लेता है रीना को। जब चलल है तो मने मने सोचे था, का सोचे था विदेशिया का भाव, के सुन नहीं दर्द बे, हाँ बे दर्द हाय अपन बियाही के, अरे प्यार में रोड़ा बनता बाती गुजारी, के ले गईले घुमावा एक दिन औहरा तक मैया हो, वही जमुना के पुल से ठेली दिहल सनी राधाई, लेकर चल दिया बंगले से। सोच रहा है सामू जब तक रीना रहेगी मैं अपने प्यार का मौज मस्ती नहीं ले पाऊंगा, इतनी दौलत है इतना धन है यह हवेली यह नौकर चाकर दुनिया का है सोया राम, इसके वजह से हमारा सब छीन हो रहा है। मन में सोचे थे गाड़ी चलावत है, ए भैया दिल्ली से गाजियाबाद वाले रोड पर चल दिया, जे भाई गैल हुई देखले हुई जहाँ गाजियाबाद और दिल्ली के बीच से जमुना जी क्रॉस किए हैं, वो पुल पर लाइट के व्यवस्था ऐसा है जैसे रात्रि के समय मालूम होला कि पूरा स्वर्ग ही जो उतर गए हो। गाड़ी को किनारे लगाया, पुल की रेलिंग पे टहलने लगा गाड़ी से उतर करके, कहा रीना देख देख रीना देख, जैसे लगता है कि पूरी जन्नत यही है। रीना भी उतर गई कार से, पत्नी का हाथ पकड़ करके पुल पे चल रहा है। तब तक रेलिंग से का एक जमुना जी में झांकना शुरू किया, कहा देख रीना जमुना जी की लहरें कैसे उछाल माल रही हैं। ज्यों ही रीना झुक के देखल चलस हो विरह सुनो वाले भैया लोग,
आज का वह कलजुगी पति धक्का दे करके ठेल देता है रीनाम। जमुना जी में गिर जाती है रात्रि की बेला में, तो हुआ क्या के रतिया की बेला जलों में से माछारी रीना पुल से नीचे गिर गई। वह राक्षस पति गाड़ी को स्टार्ट किया, भग गया। रात्रि का वातावरण ऐसा होलाम, पेड़ से पत्ता गिरी तो आहट मिल जाई। जो ही रीना पुल से नीचे गिरी है जमुना जी के जल में, धम की आवाज आती है, मला भैया लोग, गंगा के बात हो, जमुना जी का बात हो, आप लोग देखत हुई कि रात्रि के बेरा में अक्सर मला भैया लोग शिकार करे लगे। कुछ मला अपनी नौका को लेकर के शिकार कर रहे हैं, धम की आवाज कान तक जाई, आवाज देता है, एक साथी दूसरे साथी को आवाज दिया, लगता है कोई पुल से गिर गया, नौका दौड़ाओ। मलाहों का एक झुंड उस पुल की ओर चल देता है, थपेड़ा खात है रिनवा, बहत बा, डुबत बा, उतिरात बा। जब मलाह लोग नजदीक गए तो कैलन का के रीना के बचाई लिया खुलल जमाना जारी ले गए मलाम। बगल में नर्सिंग होम है, एडमिट कर दिए। एडमिट करने के बाद फिर अपनी काम पर चले आए, नैया लेकर के जमुना जी में अपना शिकार करने लगे। रात्रि के बेरा में हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं, दवा उपचार करना शुरू किए। सुबेरा हुआ, उस हॉस्पिटल नर्सिंग होम के बड़े डॉक्टर साहब जब आए, तब तक रीना होश में आ चुकी थी। मरीजों का राउंड लगाते हुए देखते हुए जब रीना के बेड के नजदीक गईलन हम, जैसे ही आए डॉक्टर साहब से, कंपाउंडर सहयोगी डॉक्टर सारी हकीकत को बता दिए थे, बैठ गए रीना के बेड पे। डॉक्टर साहब पूछने लगे, कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है तेरा? वो समय तो रीनवा के दहर के बांध टूट गया हो बाबू। डॉक्टर के पैरवा पकड़ के रीना रोवे लगल, रो के कहला सकला इन गीत लगल कैसे लाल। रो रही है रीना रो के डॉक्टर साहब से, कहती है क्या कहती है, गीत है बाब। सपना मो देखाली, सपना मो देखाली, ए भैया डॉक्टर के पैर पकड़ के रोवत बे, कहत बे, का कहत बे, देई दा मऊरावा, देई दा मऊरावा, देई दा मऊरावा, देई दा
मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, तेरी मांग में ललहाता हुआ सिंदूर यह गवाही दे रहा है कि तू शादीशुदा है। आखिर तेरी ससुराल कहाँ है, तेरा पति कहाँ है? तब तक कलेजा फटल लगल हो भैया, रो रो के पति की बात कहती है। क्या कहती है? करिया जान छोड़ा ले, करिया जान छोड़ ले, करुण क्रंदन सुन करके डॉक्टर के आंखों में आंसू भरभराने लगे। भारतीय नारी ये वही धरती है, सत्यवान की पत्नी सावित्री के फर्ज को अदा करती है रीना, सती अनसुईया की धरती है, सीता जैसी महासतियों की धरती है। रीना इना बतौलिन कि हमार पति करिया जान के बाबू रतिया में जमुना जी के पुल से हमें जमुना जी के जल में ठेल देलन। सोच जाती है रीना, अगर मैं बता दूंगी हमरे परमात्मा समान पति के ऊपर FIR होगा, पति गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे बढ़िया हो कि जो हमरे पे बीतत बा वह बिता ली। दूसरा सवाल किए, डॉक्टर तेरे बाप का क्या नाम है? तब बतावत है कि मरी गई ले माई बाबू, मरी गई ले माई बाबू, हमार बाबू फौज का कर्नल रहलन, फौजी रहलन कश्मीर में। मम्मी पापा दोनों जाना के उग्रवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई, देश के नाम पर शहीद हो गए, माँ बाप मारे गए, पति करिया जान करके छोड़ दिया। हे डॉक्टर बाबू, ए डॉक्टर साहब, ये अभागिन के जिये का अधिकार नहीं है। जहर के सुई लगा दा हो बाबू, लगा दा जहर के सुई। ये दुनिया में हम जी के ही का कर, जेकर दुनिया में केहू बटले नहीं बा। डॉक्टर समेट लेते हैं बाहों में, कालन बिटिया जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, उसका परवर दिगार मालिक परमात्मा है। कैलन का डॉक्टर साहब पहपट के भावा साहब हो, धर्म का बेटी बना लिए बनाई डॉक्टर साहब हो। माँ बाप मारे गए, पति अपमान करके छोड़ दिया। डॉक्टर कहलन की बेटी कुछ पढ़ी लिखी है? कहलन की बाबू हमार BA के शिक्षा बा, स्नातक है, अधिकारी की लड़की थी, भाप गया डॉक्टर, उसी हॉस्पिटल में रहने लगी। कहलन तू हमार धर्म का बिटिया हो रीना, कल तेरी जिज्ञासा होगी, बेटी बनाकर तेरी शादी कर दूंगा। कलस नहीं बाबू, भारतीय नारी जिंदगी में एक बार सुहागन बनती है।
मरने और जीने की कसम एक बार खाती है। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत का संस्कार है। भारत भूमि ऋषियों की धरती रही है, महर्षियों की धरती रही है। इस धरातल पे एक से लोग आए, सतियों की धरती रही है, नहट जाती है। तब डॉक्टर कैलन का क्या नर्स बन गई रीना, तब मरीजों का करती उपचारवा। क्या भइल कृपा भगवान का, तब अरजल का मिलल सहारावा। रीना कहलिन कि बाबू दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो यह एक दुनिया हमारी है। यही में हम लोगन का सेवा बर्दाश्त करके हॉस्पिटल में झाड़ू लगा के मरीजन के पानी पिया के अपन जिंदगी बिता ले। दोबारा शादी का नाम मत लिया डॉक्टर बाबू। उसी हॉस्पिटल में रहने लगी, तेज थी, पढ़ी लिखी थी। धीरे 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 डॉक्टर के साथ रहते रहते रीना नर्स बन गई। जब रीना नर्स बन गई बाबू, मरीजों का उपचार करने लगी। तब तक एक दिन एक घटना घटल, तहीं से विरहा मोड़ लेते बहे जब हल्का। तब से कर सामू का गई टकराई डॉक्टर साहब हो, जख्म से दोनों पैर गले लगाई डॉक्टर साहब हो। उसी नर्सिंग होम में आके एडमिट हुआ। जो नर्सिंग होम में रिनवा नर्स बन के हॉस्पिटल के मरीजन का सेवा करके अपन समय व्यतीत करते हो। जब देखलस रीना अपने पति को देखी है, रीना मन ही मन आत्मा रोत बा। बिरहा सुना वाले भाई लोग देखत हुए हैं, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्स जब मरीज के पास जालन तो मुंह पर हरी पट्टी बांध लेलन। रीना देखती है, पहचान जाती है रीना। समुआ तो सोचलस कि रीनवा ये दुनिया से अब अलविदा हो गई। जब रीना देखलस तो भैल का मास्टर अल्लाह का भाव के जाके अस्पतालिया सामो आउ भरती हो गई लन भैया। तो जना के अपना रीना गई लिन पाई का चेहरा छिपाई भैया। सोचे सुषमा सामू का बाप कटे हैं दोनों पैरवा सुनला। जिंदगी बसाओ करना पड़े दुखमा। नारी पति के लिए भूख प्यास सब त्याग दी। इतना दुर्व्यवहार करने के बाद चेहरे को ढक करके डॉक्टर और पत्नी दोनों का फर्ज अदा करती है। ए मिका सुषमा आए दिन अस्पताल छोड़ करके बाजार में रंगरेलियां मना रही है। उस फैक्ट्री का जो मैनेजर है सुरेश, दोनों का प्रेम संबंध हो गया। दोनों अपने में विचार करने लगे। का विचार करत हो? ये भैया भैला अस्पताल सदी सज साम अब घर के संभाली सोचा हो के परेशान। ओहर सुरेशवा सुषमा दोनों रोज मनौती मनावत होंडी बाबा काली माई। ये समुआ कम मर जात प्यार कर पैठी सुरेश और सुषमा दोनों। यार डॉक्टर का निर्देश हुआ, सामू सेठ साहब अब आप बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के, हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के
आप चले जाइए घर, हॉस्पिटल के वातावरण में, घर के वातावरण में धरती और आसमान का अंतर होता है। धीरे धीरे आपके हालत में अब सुधार होगा। बैसाखी के सहारे, किसी का सहारा लेकर के थोड़ा थोड़ा आप रेंगना शुरू कीजिए। अब तो डॉक्टर का निर्देश सुनकर के समूह के पैर के नीचे जमीन नहीं, सोच रहा है अपनी प्रेमिका सुषमा की बातों से वाकिफ हो गया, घर कौन संभालेगा। डॉक्टर के बलौलन हाथ जोड़ के समूह निवेदन करने लगल कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से कोई कर्मचारी दे दीजिए, जितनी तनख्वाह होगी 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 कहिए तो अभी पेमेंट कर दूंगा, एक महीना मेरी देखभाल करे, इसके बाद मैं जब चलने फिरने लगूंगा तो आप अपने कर्मचारी को बुला लीजिए। पैसा के काटत बा, डॉक्टर का आदेश हुआ, सारे कंपाउंडर नर्स इकट्ठा हो गई। सामो की बात को डॉक्टर साहब ने लोगों के बीच में रखा, सब बोले के बकिया है, धन्यवाद है रीना को, दोनों हाथ को जोड़ करके खड़ा हो गई। कही डॉक्टर साहब आपका आदेश हो तो मैं चली जाऊं। डॉक्टर का आदेश हुआ, रीना लेकर के अपने ही पति को चेहरे को ढक करके चल देती है एम्बुलेंस से बंगले हवेली की ओर। तब का भाव लिखा गया कैसे लाल, अरे थोड़ी दिन खाती नर्स लेके आई लघारा, अरे रहल सामो सेठ का हो जाओ मकान, लेकर चला आया सामो सेठ रीना को अपने बंगले में। दवा उपचार करने लगी रीना, देखने लगी पत्नी का भी फर्ज अदा करती है, एक डॉक्टर का भी फर्ज अदा करती है। रीनवा का रहब देख के सुषमा के दिक्कत होखे लगल, ओकर घूमल फिरल जहर हो गए। अपने प्रेमी सुरेश को बुलाती है, रात्रि की डेरा में दोनों विचार करने लगे, जब से साली नर्स आई है हमन सोचते हैं कि कैसो ही तड़फड़ाए के मर जाए, लेकिन ये टाइम से दवाई, टाइम से भोजन, टाइम से पानी, एक पैर पकड़े सेवा में तैयार रहते हो। ए सुरेश, आज रतिया में ही काहे ने कर हत्या कर देता। योजना बनाने लगे दोनों सुरेश को जान से मारने के लिए। सारी बात को रीना सुन लेती है, आओ नुताव देखा सुरेश। उसी दिन रात्रि का इंतजार करने लगा। जब रात्रि भैल बे, सामो दवा खाना पानी खा करके बेड पे सो गया। रीना सुषमा और सुरेश के योजना को समझ चुकी है, उसी कमरे में जाकर के बैठी है जिस कमरे में उसका नालायक पति सामो बेड पे लेटा हुआ है। एकाएक दोनों पहुंचते हैं, सुषमा और सुरेश दरवाजा धक्का दे करके खोला, निकाल लेता है बगल से पिस्टल सुरेश, तान देता है सामू सेठ के ऊपर। तबले रीनवा खड़ी हो गई, लो भैया उठ के खड़ी हो जाती है रीना, एक आवाज देती है, क्या आवाज दे ली, क्या भला ही मुआ बा कफन का पहन के चलिया, कैसे दिया तो हमारे सैया पचलाई बागोली। जब इतनी बात रीनवा बोलल कि भले ही मुबे कफन के पहन के चलिया आ कैसे जियत हमरे सैया पे समुआ, उठ के बैठ गए बेडवा पर, तड़तड़ 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 सुरेश गोली चलाना शुरू किया, चला देता है पिस्टल से गोली। तो रीना करती क्या है बाबू, क्या सामू खड़ी हो गई आके, अब सामू के संभाला, तगरी गईली बेहोश खेलल
बेहोश हो करके लहूलुहान रीना गिर के तड़फड़ा रही है, छटपटा रही है। तब समुआ के जाके दिमाग खुलल है कि अरे यह तो मेरी पत्नी रीना है, लक्ष्मी स्वरूप मेरी दुल्हन रीना है। घबराहट में सुरेश सुषमा दोनों भाग चले, अपनी मोबाइल को उठाया है सामू सेठ, उसी नर्सिंग होम पे फोन किया, सारी घटना से अवगत कराया। हॉस्पिटल से तुरंत एम्बुलेंस जाता है, फिर दोनों को लेकर के उसी हॉस्पिटल में आ गया। डॉक्टर साहब मौजूद हुन, समुआ डॉक्टर के पैरवा पकड़ के रोवत हो भैया, एठे निवेदन करत है डॉक्टर साहब से। का निवेदन करत है? के बोला सामू डॉक्टर से ले लो सारा धना, डॉक्टर साहब ई हवेली ई पैसा ई फैक्ट्री कहिए तो आज ही अभी आपके हॉस्पिटल के नाम से कर दूं साहब, लेकिन एक उपकार कर दीजिए डॉक्टर साहब, मेरे ऊपर एक उपकार कर दीजिए। कौन सा उपकार? के बोला सामू डॉक्टर से ले ला सारा धना, लेकिन हमारे रीना का बचाई ला पारा नावा, तो हमारे सैया पर चलाई बागोलिया। पकड़ लेता है डॉक्टर साहब के पैर को हसामू, पकड़ के पैर को रोने लगा, कहा डॉक्टर साहब बचा लीजिए, बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए मेरे दुल्हन को, बचा लीजिए साहब। डॉक्टर साहब चूंकि बेटी मान चुके थे अपनी बिटिया के सुरक्षा के लिए, प्राण बचाने के लिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों से, बंबई के बड़े हॉस्पिटलों से, विदेशों से कुछ डॉक्टरों को बुलाया, रीना का इलाज होने लगा। परवरदिगार मालिक परमात्मा की ऐसी कृपा हुई बाबू, रीना सामू दोनों सुरक्षित बच गए। सुषमा और सुरेश के नाम से एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, डाल देती है जेल की सलाखों में। आज भी दोनों समाजद्रोही जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। रिनवा के लेके समुआ आज वही दिल्ली में जीवन यापन करत है। ऑडिटर और कैमरामैन हमरे धनंजय भैया, घनश्याम भैया, उमेश भैया, यह दुनिया बा, यह दुनिया के लोगों का दस्तूर बा, विवाह के अंतिम लाइन में कहना बा, गुरु बिहारी रमन बेचन श्यामा सीता, भरत जी मोहन संग में